नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा, एक नजर डालते हैं सुबह की फटाफट खबरों पर। तेज रफ्तार ट्रक हाईवे पर खड़े हुए ट्रक से टकराया, चालक की मौत। महुगंज थाने की भौसड़ पहाड़ पर हादसा, चालक बंसीलाल साकेत की हुई मौत। बाइक और बुलेरो की टक्कर में हुई मौत के मामले में बलवा करने पर आधा सैकड़ा लोगों पर दर्ज हुआ शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने का मामला। नई गढ़ी थाने के जुड़मनिया गांव में दो दिन पूर्व हुई थी घटना, जिसमें दंपत्ति की हुई थी मौत और बेटा हुआ था घायल। घायल युवक ने अस्पताल में तोड़ा दम, हत्या का आरोप लगाकर परिजनों ने किया चक्का जाम। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के हजारी चौराहे पर मिला था घायल युवक। मृतक की पहचान बादल बंसल निवासी नया तालाब गुरु चौराहे के रूप में हुई पहचान। चिड़ियाघर के सामने आर्थिक संकट, दर्जन भर पहाड़ों का नहीं हो पाया निर्माण। लॉकडाउन में चिड़ियाघर एवं व्हाइट टाइगर सफारी बंद रहने से नहीं हुई आय। 6 वर्षों में 16 लाख लोगों ने किया सफारी का भ्रमण। सरकार से मदद न मिलने के चलते स्वयं की आय से प्रबंधन कर रहा है रखरखाव। कॉलेजों में अतिरिक्त अध्यापकों की ड्यूटी परीक्षा कार्य में नहीं लगाने के निर्देश। कक्षा वर्क फील्ड प्रोजेक्ट में ली जाएगी सेवाएं, उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया निर्देश। विद्यालय प्राचार्य का ऑडियो वायरल, मामले की जांच कमेटी गठित, 3 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने का दिया निर्देश। विद्यालय के प्राचार्य की छात्रा के साथ अश्लील बात करने का ऑडियो हुआ है वायरल। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, छटनी किए गए कर्मियों की बहाली की मांग। एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए जल सत्याग्रह शुरू किया गया आंदोलन, किसान पूरे सप्ताह भर जिले भर के अलग अलग स्थानों पर करेंगे आंदोलन। अपनी जमीन पर मकान का निर्माण नहीं करवाने दे रहे सरहंग, सिस्टम के हाथों लाचार सेना का जवान। सीमांकन कराने की मांग लेकर पहुंचा रीवा, सुहागी के मजरा गांव का मामला। पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट, गाली गलौज। चुराटा थाना क्षेत्र के काली माता मंदिर के पास बैजनाथ में हुई घटना। बुटॉन कॉल की शिकायत पर ललिया साकेत बाबू साकेत निवासी बैजनाथ के खिलाफ मारपीट गाली गलौज का मामला हुआ दर्ज। दो पक्षों के बीच मारपीट, आधा दर्जन लोगों के खिलाफ थाने में हुई शिकायत। चुराटा थाना क्षेत्र के निवासी बैजनाथ साकेत के साथ श्यामकली साकेत, रमेश साकेत, पारुल साकेत, राहुल वर्मा ने अपने साथियों के साथ मिलकर की गाली गलौज मारपीट, जान से मारने की दी धमकी। कब्सा गांव में हुई घटना, दोनों पक्षों की शिकायत पर दर्ज हुआ काउंटर मामला। मोटरसाइकिल सवार युवक ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए युवती को मारी टक्कर। समान थाना क्षेत्र के ज्योति स्कूल के सामने हुई घटना, घायल को पहुंचाया गया उपचार के लिए अस्पताल। अधेड़ ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के चुआ निवासी भैयालाल कुशवाहा ने लगाया मौत को गले, पुलिस जांच में जुटी, कारण अज्ञात। 15 वर्षीय किशोरी को बेला फुसलाकर ले गया युवक, सिमरिया थाना क्षेत्र के संदेही सचिन नामदेव के खिलाफ अपहरण का मामला हुआ दर्ज। सूखे कुएं में गिरने से वृद्ध की हुई मौत, गढ़ थाना क्षेत्र के बबनी निवासी अखंड प्रताप सिंह के सूखे कुएं में गिरने से पारसनाथ पटेल की हुई मौत, पुलिस जांच में जुटी। नई गढ़ी थाना क्षेत्र में हुआ एक्सीडेंट में आगजनी के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिसकर्मी के साथ की थी गाली गलौज मारपीट। घायल प्रधान आरक्षक सुशीला कोल की शिकायत पर 2 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने के साथ साथ शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने का दर्ज हुआ मामला, पुलिस जांच में जुटी। धारदार चाकू लेकर दहशत फैलाते हुए युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कोतवाली पुलिस ने निपनिया मोहल्ले में संगम साकेत को हिरासत में लेकर किया धारदार चाकू जब्त। अलग अलग क्षेत्रों से कोतवाली पुलिस ने धारदार चाकू लेकर बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे बदमाशों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों में संतोष बंसल, संजय सोंदिया शामिल, आरोपियों के खिलाफ 25 आर्म एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। फटाफट खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।